find all maxima and minima of the function y is equal to x into x minus 1 whole square in the interval of x belongs to 0 to 2, and also determine the area bounded by the curve y is equal to x into x minus 1 whole square y axis and the line x is equal to 2. तो अपने को दो question determine करना है, एक तो maxima minima बताना है curve के लिए in the interval of x belongs to 0 to 2 and area determine करना है curve y axis और x is equal to 2 के बीच में. सबसे पहले अपन maxima minima solve करते हैं, ठीक है. तो y की value, y जो curve given है, y is equal to x into x minus 1 का whole square given है, और x को इन्होंने बता रखा है कि 0 से 2 के बीच में अपने को maxima minima बताना, ठीक है. अब मैं यहां पे मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें. तो dy / dx अगर डिफरेंशिएट करें तो यहां पे क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो एक तो अपन क्या करें, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, 1 into x minus 1 का होल स्क्वायर. प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहला फंक्शन फिर से एज इट इज, ये x एज इट इज. अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो x minus 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 into x minus 1, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1. तो यहां पे प्रोडक्ट रूल में अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस साइन दूसरे को एज इट इज रखते हैं, फिर पहले को डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये होता है प्रोडक्ट रूल. यहां पे x को डिफरेंशिएट किया, इसको एज इट इज रख दिया, फिर उसके बाद x को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये वैल्यू आ गया. अब अपन मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये क्या लिखा हुआ, ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x * x - 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है. अब अगर ये वैल्यू आ गया, अब अपन मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, dy / dx की वैल्यू को 0 पुट करते हैं. लेट्स से अगर मैं dy / dx की वैल्यू देखूं तो यहां से मैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x into x - 1 इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे. क्यों, यहां से अपने पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो वहां पे जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमा मिनिमा अटेंड करेगा, ठीक है. अब यहां पे अगर अपन देखें तो x - 1 मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, x - 1 कॉमन ले लूं. तो x - 1 मैं अगर कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, ये तो x - 1 बचेगा और यहां पे ये प्लस का सिंपली 2x बचेगा इज इक्वल्स टू 0. यहां से मैं अगर वैल्यू देखूं तो x की किस-किस वैल्यू के लिए ये 0 जा रही है, जिस-जिस वैल्यू के लिए ये 0 जाएगी वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है. तो यहां से x - 1 into, इसकी वैल्यू देखूं तो ये 2x 2x + x तो ये आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से x की क्या वैल्यू 0 जा रही है, या तो x की वैल्यू 1 हो, यहां से अगर मैं 0 देखूं तो या तो x की वैल्यू 1 हो या और अपन x की वैल्यू क्या बोले 1/3. तो अपने पास दो वैल्यू आ रही और ये दोनों वैल्यू जो है x की जो इंटरवल गिवन है 0 से 2 उसके इंक्लूड कर रही है, ठीक है, 0 से 2 के बीच में आ रही है. तो ये जो दो पॉइंट्स है यहां पे फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक है. तो इसके लिए अपने पास मैक्सिमा मिनिमा होगा. तो अगर अपन मैक्सिमा मिनिमा के वैल्यू निकालूं तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा होगी. तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल देता हूं y = x * x - 1 का होल स्क्वायर का. लेट्स से जो गिवन है फंक्शन y = x * x - 1 का होल स्क्वायर, तो लेट्स से x = 1 पे वैल्यू निकालूं, तो y at x = 1 पे वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 * 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया 0. सिमिलरली y = y की वैल्यू अपन x = 1/3 पे निकालो, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/3 into 1 minus 1 by 3 का whole square. ये value देखो तो 1/3 और ये क्या आ जाएगा 3, इसको अपन LCM लेके solve करते हैं तो 3 minus 1 2/3, 2 का square आ जाएगा 4 और 3 का square आ जाएगा 9, तो ये value आ जाएगा 4/27. तो अब अगर मैं देखूं तो at x equals to 1 पे y की value 0 है और at x equals to 1/3 पे y की value क्या है 1/3 है. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो ये value क्या होगा, ये value minimum हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा at x = 1/3, ये मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगा 4/27. ऑब्वियसली ये लोकल मैक्सिमा होगा और at x = 1 पे वैल्यू 0 है तो ये मिनिमा होगा, ठीक है. अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x * x - 1 का होल स्क्वायर एंड y एक्सिस एंड x = 2. तो यहां पे अपने को क्या ग्राफ ड्रा करना होगा, तो जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, y = x * x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपने को किस-किस के बीच में y एक्सिस और x = 2 के बीच में एरिया जो बाउंडेड होगा उसकी वैल्यू बतानी है, x = 2 और y एक्सिस. तो यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे ग्राफ ड्रा करता हूं सो दैट अपने को आईडिया लगे कि कौन सा एरिया डिटरमाइन करना है. तो ये बेसिकली क्या क्यूबिक फंक्शन है जिसके रूट्स क्या है, x = 0 और x = 1 पे वैल्यू रिपीट हो रही है. और क्यूबिक फंक्शन क्या होता है,
पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा और नेगेटिव पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके ड्रॉ करूँ तो इसकी एक तो रूट्स क्या है, जीरो है, और एक रूट्स क्या है, वन है, ठीक है। वन पे ये क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू टच करेगा। अब अगर अपने को क्या पता है, वन से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, वन से ग्रेटर के लिए तो वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। और जीरो से पहले ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इस बीच में जीरो से वन के बीच में अपन ने ऐसे भी चेक कर लिया है कि 1/3 पे ये मैक्सिमा है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये अपना लेट से ये रफ ग्राफ आ गया जो गिवन फंक्शन है, ये यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 और ये एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब इन्होंने कहाँ क्या एरिया पूछा है, अगर मैं बोलूँ ये एरिया पूछा है ग्राफ कर्व के बीच में वाई एक्सिस के बीच में और एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू 2 ड्रॉ करूँ तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट है, लेट से ये वाला कर्व जो है ये एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये अपन ने कर्व ड्रॉ कर दिया है। अब अपने को वाई एक्सिस कर्व और एक्स इज इक्वल्स टू 2 के बीच में एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एरिया क्या होगा, यहाँ पे जो एरिया आएगा यहाँ पे एरिया एक्स एक्सिस के साथ आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ अगर अपन एरिया देखें तो वाई एक्सिस के साथ एरिया जो है वो अनबाउंडेड आ रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है प्लस एक्स पे प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और माइनस एक्स पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ नहीं, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, यहाँ पे अपना आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन किसके साथ एरिया निकालेंगे, एक्स एक्सिस के साथ और एक्स इक्वल्स टू 2 के साथ, ठीक है। तो ये अपना एरिया जो होगा ये अपना बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है। ये लाइन लेट से अपना क्या है, एक्स इक्वल्स टू 2, ये लाइन एक्स इक्वल्स टू 2 है और एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब अगर मैं बोलूँ एरिया कौन सा निकालना है, एरिया अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, ये एक्स इक्वल्स टू 2 होगा, तो ठीक है। तो अब अपन सिंपली क्या करें, इंटीग्रेट कर दे जो फंक्शन वाई है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूं तो एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू 2 तक इंटीग्रेशन होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू 2 तक, और इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये जो होगा ये शेडेड पोर्शन का एरिया दे देगा, ठीक है। अपन ने मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिया था, एक्स इक्वल्स टू 1 जो है वो एक मिनिमा वैल्यू था जहाँ पे वैल्यू 0 हुआ था, और एक्स इक्वल्स टू 1/3 पे एक मैक्सिमा वैल्यू आया था जहाँ पे वैल्यू अपन 4/27 निकला था। तो इसको अपन इंटीग्रेट करें तो ये 0 से 2 और ये x, इसको ओपन करूँ मैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ से अपना ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x क्यूब और ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा प्लस का x। इसको अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। अपन ने एक्स एक्सिस के साथ एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया बाउंडेड आएगा, वाई एक्सिस के साथ तो एरिया अनबाउंडेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करें तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4/4, इसमें अपन लिमिट क्या लगाएं, 0 से 2, सिमिलरली माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और ये लिमिट 0 से 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन 0 एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट 0 से 2 तक। तो ये जो यहाँ से जो एरिया की वैल्यू आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो अपना एरिया आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट लगाऊं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16/4 और लोअर लिमिट तो 0 ही होगा, माइनस यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा, 8/3, लोअर लिमिट 0 होगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4/2, ये बेसिकली 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर ले, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू देखो तो ये 4 लिखा हुआ है, 4+2, तो ये क्या आ जाएगा 6, 4+2 6, माइनस 8 × 2 क्या आ जाएगा, ये 16/3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2/3, इसको एलसीएम ले लो तो 6 × 3 18, माइनस 16 तो ये आ जाएगा 2/3 और ये किस यूनिट में होगा, ये स्क्वायर यूनिट में होगा क्योंकि एरिया है, तो ठीक है यहाँ पे 2/3 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया, ठीक है।